हाय गाइस, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल जेबी पीरियड पवन को और बेल आइकॉन घंटे को दबाएं और मेरी वीडियो सबसे पहले पाएं। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अभी टाइम नहीं मिल पा रहा था, बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी चल रही थी मेरी। तो आज फाइनली संडे है, तो फिर मैं आज मंडला जा रहा हूँ कार से विकास के साथ। हम दोनों दोनों भाई जा रहे हैं। बारिश भी हो रही, मॉर्निंग का टाइम है, 10 बजा है अभी, 9:30 करीब हो रहा है। तो अभी बारिश हो रही है जबलपुर शहर में और आगे का पता नहीं है। तो हम लोग विकास और यहीं से मैं निकलना घूमने जाना है, तो हम लोग घूमने जा रहे हैं दोनों भाई। संडे छुट्टी है, तो चलिए आगे की वीडियो आप लोगों को दिखा। कैसे हैं गाइस आप लोग? और मैं अभी रुका हुआ था, लगा जंगल, बस जंगल है, अच्छी रोड बना दी गई है। तो अभी हम लोग ऐसे रुके हुए थे, पानी बहुत तेज गिर रहा था। हाँ चल रहे, तो चलिए चलते हैं फिर। जो काम था वो हमने ख़त्म कर लिया है, जिस काम की वजह से मैं, भैया और विकास आए हुए थे, तो वो काम हमने कर लिया है। अब हम वापस जबलपुर घर की ओर जा रहे हैं। तो चलिए बीच का आपको व्यू दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा जंगल आने वाला निवास का। तो अब हम मंडला वाली रोड से नहीं जा रहे हैं, अब हम निवास से अंदर होते जा रहे हैं, क्योंकि रोड अच्छी है यहाँ पर। और अभी आपने ख़राब रोड देखी थी, अब अपन धमाकेदार रोड दिखाएंगे आपको। चलिए पवन जी, फिर कैसा अनुभव हो रहा है ये निवास के जो जंगल पड़ रहा है और बरसात हो रही है, जंगल पूरा हरा भरा है, कैसा फील हो रहा है आपको? गाड़ी चलाने में कैसा लग रहा है? बड़ा मज़ा आ रहा है बाबा लोग। थोड़ा सा स्लो चलाइएगा, मोड़ ज़्यादा है यहाँ पे। थोड़ा देखिए एक सेकंड के लिए इस साइड, जरा एक नज़र मारिए। हाँ चलिए, अब सामने देखिए आप, आपका सामने देखना ही हमारे। अभी हम बवलिया पहुंच चुके हैं, निवास 20 किलोमीटर करीब है। तो हम जल्दी से यहाँ से निकलेंगे, कुरकुरे खरीद रहे थे और थोड़ा सा पानी आने देना था, भूख भी लगी थी। पूड़ी खाई है आज हमने, पूड़ी लेके आए हुए थे घर से, भाभी ने बनाई हुई थी तो हम सब लेके आए हुए थे। चलिए हम निकलते हैं, क्योंकि ड्राइवर अपनी ही है। अभी भी 70 किलोमीटर राउंड पड़ जाता है ना, 10-12 किलोमीटर। अब आ रही, आ रहा मन जा।
शॉट भी ले लेंगे, फोटो भी ले लेंगे। नर्मदा परिक्रमा का बैनर है, ये मेरा रूम है छोटा सा। तो कल मंडे है, कल वापस ड्यूटी जाना है, अस्पताल ड्यूटी वापस रेडी हो जाएगी। और नींद भी आ रही है, मैं करीब डेढ़ महीने से एक भी संडे ऑफ नहीं लिया मैंने, कुछ ना कुछ करता रहा हूँ। अब अगले संडे मैं दम हो जाने वाला हूँ, तो जिस किसी को भी मिलना है तो दमो में मिल सकता है मुझसे। मैं संडे को 11 बजे से शाम 3 बजे तक रहता हूँ, और अगर आप जानना चाहते हैं कहाँ पर रहता हूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको लोकेशन दे दूँगा। चलिए, गुड नाइट, सेफ नर्मदा, सेफ लाइफ, नर्मदे हर।